بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خطیب پاکستان وائس شریفیان حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد شیخ غفوری صاحب وہ اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائے۔ حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد صاحب، نعرہ تکبیر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد صاحب، الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا، اکوڑا آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا، کھلنے پھل تے کلیاں ہزارا مسکرا پیا، بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی، حلیمانے جدو پھڑیاں مہاراں مسکرا پیاں، حلیمانے جدو پھڑیاں مہاراں مسکرا پیاں، میرا پڑو خائے کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیاں، کھلنے پھل تے کلیاں ہزارا مسکرا پیاں، جنارا تو لنگ گئی سواری پیر مدنی دی، جنا راوا تو لنگ گئی سواری پیر مدنی دی، راوا بن گئیاں جنت فضا مسکرا پیاں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے، درود و سلام امامنا فی الدنیا والآخرہ امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے ہے۔ میرے بڑے پیارے بھائی فاضل نوجوان اور خطیب پنجاب حضرت مولانا بدر نصیر سلفی صاحب اور محترم بھائی شاہ صاحب اور تسی سارے احباب، اللہ اس کانفرنس نو قرآن و سنت کانفرنس نو قبول فرما کے میری تواڈی نجات دا سبب بنائے،
मेरे तो कबल खतीबे पाकिस्तान हजरत मौलाना फज बिनियामीन आबद साहब बड़ा ही जानदार और शानदार खिताब फरमा चुके ने। अल्लाह इल्म अमल इच बरकत फरमाए। इंशाल्लाह मेरे तो बाद हजरत सैफुल्ला रब्बानी साहब सैयद सप्तैन शाह नकवी साहब इंशाल्लाह उन्हां दा खिताब बल्कि खिताबात होने ने। अल्लाह ने नबी पाक नू चार बेटियां अता फरमाईयां। बोलो किनियां तियां? ते तियां चंगियां होण ते मनहूस इंशाल्लाह दुआ करो बेटियां चंगियां होण। अल्लाह तियां दे नसीब चंगे करे। तरबियत चंगी कीती होवे ते चंगियां ही हुंदियां। ते जिथे फिल्मां ते ड्रामियां दी तरबियत होणी है ते फिर उथे कुरान हदीस नहीं होना। ते मत ख्याल करिया जी साडी धी साडी गल मन्नेगी, हो ही नहीं सकदा। साडा मुंडा साडी गल मन्नेगा जिंदी प्यो दी कुरान हदीस तो बगैर फिल्मां ड्रामियां दी होणी है उहने फिर जवान होके ते कोई दीनदार ते नहीं बनना। उहने फिर लेडी डैणा दीआं रीसां करदीआं ने। आप फरमाते ने जिन्हों अल्लाह ने दो बेटिया का बाप बनाया उन्हें अदबो अदाब सिखाया पर्दा सिखाया चाहे एक या दो या तीन या इससे ज्यादा फिर जवान हो गई फिर उन्हां दी शादियां उन्हें चंगियां थावां ते कुरान हदीस वालियां जगह ते करतियां। फरमाया बेटिया के मामले अंदर अजमाया जाने वाला बाप कल जन्नत के अंदर मैं मुहम्मद का गुआंढी होएगा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और कसीर तादाद दे अंदर मेरियां मावां भैणां भी आईयां ने। और यकीनी बात है वे मेरी ओ माओ बहनों सूरत नूर पढ़िया करो। सूरत मरियम बिनियामी साहब तिलावत फरमा रहे सन ना, ये पढ़िया करो क्योंकि इहदे नाल औरतां दी तरबीयत दा खास मामला है, पर्दे दा मामला है, हया दा मामला है, गैरत नू अल्लाह ने बयान किया है। मैं दस रहा धीआं मनहूस नहीं हुंदियां। अल्लाह पाक ने पैगंबर नू भी अल्लाह ने चार बेटियां दा बाप बनाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बेटी सैयदा जैनब रजी अल्लाह तआला अनहा। सैयदा जैनब दा निकाह नबी पाक ने अबुल आस नू कीता जिहड़े के बाद अंदर मुसलमान हो गए। और सैयदा रुकैया रजी अल्लाह तआला अनहा डबलिंग बंद कर दियो। सैयदा रुकैया रजी अल्लाह तआला अनहा सैयदा रुकैया दा निकाह जनाब उस्मान गनी नाल नबी पाक ने कीता। और सैयदा उम्मे कलसूम दा भी निकाह हजरत उस्मान गनी नाल होया सैयदा रुकैया दी वफात तो बाद। और नबी पाक दी चौथी बेटी सैयदा फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह तआला अनहा सैयदा फातिमा दा निकाह नबी पाक ने अली अल मुर्तजा नाल कीता रजी अल्लाह तआला अनहो। चार धीआं दे के अल्लाह ने पैगाम दिता बेटियां मनहूस नहीं, अल्लाह दी रहमत है। बेटे दी नेमत ने, धीआं भी रहमत ने। धी पैदा होण ते मत्थे वट नहीं पाणा चाहीदा। कई ते अपणियां बीवियां नूं फारग कर देंदे ने जालम। ओ मैं पुछना जिहदे विचों तूं जम्मिया तेरी मां वी ते किसे दी बेटी है ना, धी है ना। फिर ख्याल कर जे सोहणे नबी नूं अल्लाह ने बेटियां दित्तियां ने चार ते तेनूं दो वारा नहीं खांदियां, तेनूं एक वारा नहीं खांदी। शर्म कर उस पैगंबर दा कलमा पढ़िया है। याद रख ये बेटियां तेनूं जहन्नम तों बचाणगियां। और मैं अज दी गुफ्तगू अंदर नबी अलैहिस्सलाम दी एक बेटी और एक दामाद दा जिक्र करना चाहांगा। दुआ फरमाओ फिर घराना भी तुहाडे सामने रखना है ना। बेटियां दी तरबियत औलाद दी तरबियत इंज दी होनी चाहीदी है जिस तरह मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीती। मेरे पैगंबर नूं हिजरत कीते आ 2 साल दारसा हो गया है। 2 साल मेरे पैगंबर नूं हिजरत कीते आ गुजर गए ने। ते इधर मेरे पैगंबर दी प्यारी बेटी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जवान हो गई है। जान दियो जदों बेटियां जवान हो जांदियां ने ते मापियां दियां ते नींदरां उड़ जांदियां ने। मेरे पैगंबर गाखे बगाखे से तलाश दे अंदर ने मकू रिश्ता आवे ते मैं अपनी बेटी फातिमा दा निकाह कर दवा। डबलिंग बंद कर सोने आ पुत्र समझ नहीं, डबलिंग बंद कर सादा आवाज कर और मठी भी रख। मेरे पैगंबर अलैहि सलाम ने फिर इंतखाब कीता है अली उल मुर्तजा दा इंतखाब कीता है रजी अल्लाह तआला अनहु।
मेरे पैगंबर दे जनाब दरे दरवाजे ते मस्जिद नबी दे अंदर फातिमा दी बरात आउंदी पई ए। कौन फातिमा? जन्नत दियां औरतां दी सरदार फातिमा सुभान अल्लाह, जिन्ना दे मुतल्लक मेरे नबी ने फरमाया फरमाया फातिमा तो बिजा तो मिनी। लोगो फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है, जिन्ने मेरी फातिमा बेटी नू तकलीफ दीती ओने मैं मुहम्मद नू तकलीफ दीती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने आंसुआं दियां झड़ियां दे अंदर अपनी बेटी फातिमा दा मसनून खुतबा नकाह दा पढ़िया है, हजाबो कबूल करवाया है, ते मेरे नबी दियां अखियां डुल दियां पईयां ने। जान दियो बाप पत्थर दिल ना होवे, बाप पत्थर दिल भी होवे, मां पत्थर दिल भी होवे, जदों बेटियां नू टोरन दा वक्त आउंदा ई ते अखां विचों खंजू निकल आउंदे ने। मेरे पैगंबर ने पैगाम भेजिया, आप फरमांदे ने मेरी बेटी फातिमा नू तैयार कीता जाए। इन्ना तैयारी दे लम्हात दे अंदर मां उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला कह दो रजी अल्लाह तआला अनहा, मां उम्मे सलमा दी जुबान विचों गल निकली है, फातिमा जी तू प्यारी ते किन्नी लगनी पई है, फातिमा जी तेरा शादी दा मंदर नकाह दा किन्ना सोहना जिहा है, फातिमा मैं उम्मे सलमा भी तेरी मां लग लेकिन काश फातिमा आज तेरे नकाब दे मौके ते तेरी सकी अम्मा खतीजा भी जिंदा हुंदी ना, तेरी मां नू अपनी बेटी दे नकाब दियां किन्नियां खुशियां खोणियां सन। जाला दुआ करो अल्लाह जिन्ना दे मापे जिंदा ने अल्लाह पाक उन्हां दियां जिंदगियां अंदर बरकत फरमाए, उन्हां नू पुछ के वेखो जिन्हां दे मापे दुनिया तो चले गए ते कब्रां ते खड़े रोंदे थकदे नहीं, कदी कहिंदे ने अम्मा प्यारीए जदों मेरे कोल पैसे आए ते तू दुनिया छोड़ के टुर गई, अम्मा प्यारीए जदों बाबा जदों मेरे कोल दौलत आईयां ते तू दुनिया तो टुर गया। लेकिन सुणियो इत्थे ते मेरे नबी दी बेटी दी मां दी गल, मेरे नबी दी ज़ौजा रज़ी अल्लाह ताला मां खतीजा दी गल है। मेरे महबूब अलैहि सलाम नू पैगाम भेजिया मस्जिद नबी अंदर, आका जी जरा जल्दी घर तशरीफ ले आओ ना, तुहाडी बेटी फातिमा ते रोंदी पई है, हाय मेरे पैगंबर दौड़ करके मस्जिद नबी दे अंदरों घर दे अंदर पहुंचे ने। जान दियो कि तियां दियां अखां विचों खंजू निकलन ते मापे ते कुर्बान होण ते पहुंच जांदे ने। मेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मैं कुर्बान जावा मेरा पुत्र फातिमा ना रो, पुत्र तेरे रोड़े दे ते तेरे अब्बा मुहम्मद नूर युरा के रख दिता है, फातिमा ना रो ना मेरा पुत्र ना रो। मेरे महबूब फरमांदे ने फातिमा नू पता नहीं अली दियां गुरबतां याद आ गईयां, फातिमा बेटा मैं तेनू दसना चाहना वा, फातिमा अली माड़ा जरूरी, अली माड़ा जरूरी, लेकिन अली दा ईमान बड़ा पक्का है। ओ सोणिया तू भी अपनियां बेटियां दे नकाह दा इंतजाम कर, बहना वाले बैठे हो बेटियां वाले बैठे हो, कल नूं बेटियां बहना जवान हो जान, वेखदे हो साडा दिमाग करोड़पति होना चाहीदा है, साडे दिमाग दे कोल ट्रैक्टर ते ट्रालियां होने चाहीदे ने, साडे दिमाग दे कोल पंज मुरब्बा जमीन होनी चाहीदी है, चाहे उन्हां नमाज आवे पावे ना आए उहदे कोल पंज मुरब्बे होने चाहीदे ने, चाहे उस बंदे नू कलमा आवे ते पावे ना आवे, ओ बंदे दे अंदर जनाब इमारत दी सामी होनी चाहीदी है, पैसे वाला बंदा होना चाहीदा, चाहे हराम दा पैसा कमान वाला होवे लेकिन होवे पैसे वाला, ओ दौलतां भी मिल जाणगियां पैसे भी मिल जाणगे, ओ जदों इंतखाब करना अपने दमाद दा अपनी बेटी वास्ते, ओए उत्थे पैसे वेखदे हो उत्थे दीन क्यों ने जे वेखदे मुसलमानो, उत्थे दीआं नमाजा क्यों नहीं वेखते मुसलमानो, ओदा कुरान क्यों नहीं वेखते मुसलमानो, ओ जिन्हों बेटी देन लगे जे ओ कुरान ते शरा दा पाबंद भी है के कोई ना। असीं अपनियां बेटियां नोटां दियां तथियां ते वेचने आ,
जिन्हां ने पैगंबर दे दीन ते धीआं दित्तियां ओह कल इस्लाम दीआं शहजादियां बणीआं ने। यकीन जानो घरां दे घर पेर बर्बाद हो गया, फलाने दिन फलानी जनाब इंज हो गया ते आ गया, फिल्मां ते ड्रामियां दी पैदावार। बेटी कहती है नहीं अब्बा जिथे तू नहीं चाहता, जिथे तू चाहना उथे मैं वसना ही कोई, ते जा मर मगरू लै जन्म खरीद। जिन्हें मापिया नू सताया उन्हें कदी सुख पाया, भावे धीए ते भावे पुत्र। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सदके ते कुर्बान जावां। गौर कर दे जाना मेरे सोनियो, ओए उत्थे वेखो ना मेरे दमाद नूं नमाज़ां वी आउंदियां ने के नहीं आउंदियां। सैयदा फातिमा और पुछिया सहाबा और सहाबियात नबी दियां बीवियां जुमला ने अर्ज कीता, सोनिया महबूबा फातिमा अली दियां गुरबतां याद करके नहीं रो रही। फातिमा ते अपने अपनी मोई अम्मा खतीजा नू याद करके रोंदी है। जदों मेरे नबी ने अपनी मुशफक बीवी दा नाम सुनया है, ओ नबी जड़ा सबर दा दामन मेरे पैगंबर बन के आए, मेरे नबी दी रहमत वाली अखा मुबारकां चो आंसू जारी हो गए। मेरे नबी फरमांदे ने लोगो खतीजा ते खतीजा ही सी, दुआ करो अल्लाह बीवियां दवे ते नेक दवे, जड़िया खामदा दे दुखा दे अंदर शरीक हो जान, खामदा दे सुखा दे अंदर शरीक हो जान। मेरे मापू पैगंबर ने फरमाया, हां फातिमा बेटा तेरी मां ते बड़ी अजीम औरत सी, फातिमा ते बड़ी पर्दे दी पाबंद, फातिमा भी पाबंद। मेरे मापू पैगंबर ने के सलाम ने फरमाया, पुत्र ना रो ना, मैं तेनू तेरी मां का भी प्यार दिता है ते तेनू तेनू बाप भी बन के विखाया है। वध मां दे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं, मशहूर जुमले, वध मां दे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं, लोको मां जैसा दुनिया ते कोई गम खार नहीं। मां दियो शान रब वखरी बनाई है, मां दियो शान रब वखरी बनाई है। ओए पोछो दे कोण जिदी टुर गई माई है, ओए पोछो दे कोण जिदी टुर गई माई है। यतीमा ताई मां जे लब दा प्यार नहीं, लोक मां दे प्यार जे किसे दा प्यार नहीं। कुरान भी कहिंदा फरमाया, वाका रब्बुका अल्लाह तअबुदू इल्ला इयाहु वबिल वालिदैन इहसाना। फरमाया रब ने फैसला किया, हुण फातिमा नूं टोरन दा वक्त आया है। मेरे नबी फरमांदे ने उम्मे सलमा अगे बढ़ना, अपनी बेटी नूं विदया करो। जान दिओ जदों बेटियां नूं टोरन दा वक्त आउंदा है, यकीन जानो भरा भैणां नूं टोरन दे वक्त रोण लग पैंदे ने। बुढ़ा बाप नुकरे च सिर दे के धी नूं टोरन लगिया रोण लग पैंदा है। मां नूं 20 साल दियां अपनी बेटी दियां मुहब्बतां याद आ जांदियां ने। बाप दे कपड़े धोण वाली अपने धी जनाब अपने घर दे अंदर जा रही है, मेरे पैगंबर दी बेटी भी अपने घर दे अंदर चली है। जान दिओ सुनियो, भरावां दे कपड़े इस्त्री करन वाली बहना अपने घर दे अंदर जा रही है, भरावां दे कपड़े धोण वाली अज अपने पिंपिया घर दे अंदर जा रही है। भरावां नूं 15 साल की मुहब्बत अपनी भैन की याद आ रही है। मां बाप नू अपनी बेटी दा बचपन याद आ रहा है, किवें छोटी हुंदी सी किवें बड़ी होई ते तरबियत कीती। मेरे नबी भी रो पै, लोको अपनी बेटी फातिमा नू जनाब रुखसत करन लग्या। मेरे पैगंबर भी रो पै ते अखां डुल पईआं। जिथे मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी नाल प्यार कीता ते फिर जान लग्या मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा नू नसीहतां भी कीतियां ने। फरमाया मेरा बेटा
ਤਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੇ ਆਈ ਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੇ ਹੈ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤਰਬੀਅਤ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਓ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਖਾਮਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਕੋ ਲੜਾਈ ਕੋ ਚਪਕਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀਓ ਬਹਿਨੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਮਦ ਬੀਵੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਫਾਤਿਮਾ ਖਾਮਦ ਅਲੀ ਦਾ ਕੋ ਚਪਕਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਫਾਤਿਮਾ ਟੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਕਿੰਜ ਆਈ ਹੈ ਅਖੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਲੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲਾ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਓ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਫਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਤੋਫੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸੁਣੋ ਜੇ ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫਾਤਿਮਾ ਆ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਿਨੇ ਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਅਲੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਜ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬਹਿਨੋ ਸੁਣੋ ਘਰ ਇੰਜ ਵਸਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਆਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਵਸਦੇ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫਾਤਿਮਾ ਜਾ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆ 10 ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਕਿਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਤਿਮਾ ਜਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਮਦ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀ ਸੱਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਸੁਣਾਈ ਅੱਲਾ ਕੀਤੀ ਖੈਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਰੱਬੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਪੰਜ ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਣ ਕੇ ਆਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਾਮਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਰੋਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮਤਾਂ ਦੇਵੇ ਨੇਕ ਮਾਵਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੇਕ ਬਾਪ ਘਰੋਂ ਟੁਰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮਤਾਂ ਦੇਵੇ ਨੀ ਧੀਏ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਮਦ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਨੀ ਧੀਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਹੀ ਵਾਲ ਰੱਖੀ ਘਰੋਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮਤਾਂ ਦੇਵੇ ਨੀ ਧੀਏ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਸੁਲਾ ਖਾਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਕਿਸੇ ਖਾਮਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਮਦ ਦਾ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਬੀਵੀ ਦਾ ਇੰਜ ਘਰ ਵਸਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਜੇ ਖਾਮਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਵੇ ਜੇ ਬੀਵੀ
अंदर कोई कमी मौजूद है ते खामत नु चाहिदा अपने अपनी बीवी दे उस जनाब कमी बेशी ते पर्दा पा दे क्योंकि क्यामत वाले दिन जन्नत अंदर अल्लाह ने उन्हें जन्नत दे शहजादे दे अंदर शामिल करना है। मेरे सुनियो मैं गल कर रहा सा मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी नू घरे टोरिया है ते आप मस्जिद नबी वल टुर पैंदे ने। मेरे पैगंबर नू इन्ना ते इलम है कि मेरे किसे यार नू कोई परेशानी आउंदी है ते ओ मसीत ते आउंदे ने ओ मस्जिद दे अंदर आउंदे ने ओ चूहे मार गोलियां साडे वांग नहीं सन खांदे ओ जनाब नहर च नहीं सन छाल मारदे ओ जनाब मेरे नबी दे परवाने ते दीवाने ते मस्ताने कोई भी परेशानी आंदी सी मस्जिद अंदर अल्लाह रसूल वाल आंदे सन। मेरे नबी नू भी इन्ना यकीन सी कि मेरा अली मस्जिद नबी अंदर ही मौजूद होएगा। मेरे पैगंबर गए ने ते हजरत अली रब दा शेर रब दी नंगी जमीन दे उत्ते लेटे आए मट्टी जमीन दी जनाब जिस्म दे नाल लगी है। मेरे नबी ने जांदे फरमाया या अबू तुराब ओए मट्टी दे अबावया ओए अली प्यारे इत्थे प्याए ए नहीं खना बे अली ने इंज किया होए के सोणिया तुहाडी बेटी फातिमा ने परेशान कीता है ते मैं तां मस्जिद दे अंदर आया। बल्कि हजरत अली अर्ज करदे ने सोणिया बस नींद आई सी ते मैं सोचिया कि मैं मस्जिद दे अंदर ही लेट जावां। मेरे नबी फरमांदे ने अली जी उठो घरे चलिए घरे चलिए। मेरे नबी अपने दमाद नूं लैके अपनी बेटी ते दमाद दे घरे टुरे जांदे ने। अल्लाह जानदा मेरे बे जमीन ते चार चफेरे नजर मारी अल्लाह जानदा मैं तुहानूं इंज दा दमाद भी नजर नहीं आएगा ते इंज दा कोई सुसर भी नजर नहीं आएगा। इंज सैयदा फातिमा नबी दी बेटी बह गई है इंज सैयद नाली उल मुर्तजा बैठ गया। आप फरमांदे ने मेरे बच्चों मैनू दसो ना पसंद नाराज कादे वास्ते होए सो। सैयद नाली बोलदे नहीं किते नबी पाक दियां बेअदबियां ना हो जान। सैयदा फातिमा बेटी बोलदी नहीं किधरे बाबा नाराजी ना हो जान। मेरे नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने आपने फरमाया मेरे बच्चों सुलह करो आपस अंदर सुलह करो। अल्लाह दे नबी ने अपनी बेटी दी ते अपने दमाद दी सुलह कराई है। अल्लाह दे पाक पैगंबर दा चेहरा खुशी नाल तमामदा तम तमामदा पिया सहाबा दे मजमे अंदर तशरीफ ले आए। सहाबा अर्ज करदे ने सुनिया महबूबा अल्लाह पाक ने तुहानूं अगे ही बड़ा प्यारा बनाया है अज जरूरत तो ज्यादा खुशी दे अंदर की वजह। अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया ओ मेरे सहाबा मैं क्यों ना मुस्कुरावां ते क्यों ना खुश होवां मैं अल्लाह दी अज जमीन दे बेहतरीन जोड़े दी सुलह करवा के आना पियावां। अज मैं अल्लाह दे जमीन दे बेहतरीन जोड़े दी सुलह कराईए। ओ कल्ली फातिमा ते अली नबी दे दमाद ते बेटी नहीं सन फातिमा बेटी भी सी ते सहाबिया रसूल भी सी। अली कल्ला नबी दा दमाद नहीं सी अली सहाबी भी सी जिन्हां दे बारे अल्लाह फरमांदे ने फरमाया उलाइक अल्लज़ी नम तखनल्लाहु कुलूबहुम लितक्वा लहुम मग़फिरतुन व अजरुन अज़ीम। सहाबानाल लगा यारी के बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह खुल के कहो सहाबानाल लगा यारी के बेड़ा पार हो जाए। तुसी भी मना उच्ची पढ़ो जेड़े सहाबा दे वफादार बैठे हो सारे पढ़ के सहाबानाल तुहानू अल्लाह दी सौंझे आवाज उच्ची करो सहाबानाल लगा यारी सहाबा ना जिन्नी देर तुसी नहीं बोलना मैं भी इत्थे ही रहना सहाबा जन्नती जन्नती हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। कुरान कहिंदा
ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی مسلک حق اہل حدیث زندہ باد مسلک حق اہل حدیث زندہ باد قاری سمیع اللہ ساجد صاحب ماشاءاللہ جان دیو مولانا کی نام ہے جان دیو خلیل الرحمان قاری خلیل الرحمان صاحب بھی اللہ پاک انہاں نوں وی سلامت رکھے بڑی محبت فرماندے نے میں نوں بلایا تو دن بارش ہی اتنی پئی اوتھے پنڈ جڑا اپنا بدھو آنے دے وچ تے لوکی جوتیاں پھڑ کے بھی مسجد تے آئے انشاءاللہ آواں گے لیکن اج تے آ تے سنو نا قران کہندا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم قران صحابہ دے بارے کہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین قران کہے اولائک اعلی خدم من ربکم و اولائک هم المفلحون او جے صحابہ دی عظمت تے قران بولے جڑا صحابہ دا ہن پی کی لا کرے ستویں ضلع اندر پیو او دا بھی کوئی نہیں دسویں ضلع چ بھی او دا ابا صحابہ نال لگا یاری صحابہ پڑھو صحابہ نال لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے میرا دل کردا ہے میں بار 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 پڑھتا چلا جاں تے اے ہوئی پڑھتا چلا جاں جملہ صحابہ نال لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے عبدالحنان دھیان میرے وال کر ہاں صحابہ نال لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے تیرا بھی رب تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے اللہ پاک پھر وقت گزرتا گیا فاطمہ میرے پیغمبر دی بیٹی نے دکھ کنے ویکھے میری اماں پہنو سانو دو دن کھانا نہ ملے اسی ابے دے گلے شروع کر دینیاں سانو جناب ایک دن کھانا نہ ملے خامت دے گھروں اسی خامت دے گلے تے شکوے شروع کر دینیاں لیکن نہ میری او بہنوں میری او بیٹیوں میری ماؤں انج دا گلا نہ کریا جے جس باپ نے اپنی کمر توڑ کے اپنی بیٹی واسطے سامان جمع کیتا ہے جن نے اپنی بیٹی واسطے ساریاں محنتاں تے کوششاں کیتیاں نے اج اسی کھانا کھان واسطے شادی تے جاندے ہاں کسے دی بیٹی دی برات ہے اسی جا کے اوتھے کہنے ہاں کھانا انہیں چنگا نہیں پکایا او سوڑیا تیرے اس جملے نے زہر بن کے اودے تے اثر کیتا ہی تیرے اس تینو پتہ نہیں جڑا تو کہنے نے کھانا چنگا نہیں پکایا اس دے پیچھے دی پوری زندگی ہے اس باپ دے پیچھے پوری زندگی دی محنت ایک لکمے دے اندر جڑی انہیں اپنی بیٹی دے نکاح دے موقع تے تینو کھانا پیش کیتا ہے نہ انج دل دکھایا کر نہ انج دے گلے تے شکوے کریا کر حضرت سیدہ فاطمہ انہیں دکھ ویکھے نے نبی دی بیٹی نے انہیں دکھ ویکھے نے ایک دن دو مہینے چولے اندر اگ نہ بڑھنی تے نہ اپنے بابے دا گلا کرنا نہ اپنے ابو جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا گلا کرنا تے نہ ہی علی المرتضیٰ دا گلا کرنا دو مہینے تین مہینے پتے کھا کھا کر کے نبی دی بیٹی نے گزارا کیتا ہے ایک دن جناب علی المرتضیٰ نے جوں پیس کے لے آمدے نے بولی خاموشی دے نال اللہ واسطے خاموش ہو جا کوئی نہ بولے تو جو میرے وال میں تانوں اس عظیم کرانے دا تذکرہ سناں نہ تے تسی آپس اندر گلاں کر دیو اے وی تے بے ادبی ہے ادب کرو میرے پیغمبر دے اہل بیت دا میں پیغمبر دے اہل بیت دا تذکرہ کرنا تو سجے کھبے وی دے اے وی تے جناب اے وی تے محبت نہیں نا ادھر ویکھیا جے سیدہ فاطمہ نے آٹا بنایا امنی دیر نو حضرت سیدہ فاطمہ نے کھانا تیار کیتا امنی دیر نو باہر دست کوئی ہے کی ویکھیا باہر مسکین آیا ہے تے کھانا چوکے مسکین نو دے دیتا ہے حضرت علی فرماتے نہیں فاطمہ کھانا تیار کر فاطمہ نے دوسری مرتبہ کھانا تیار کیتا ہے
नमूना तरबीयत मेरे नबी की बेटी की देखी है। सैयदा फातिमा नबी की बेटी ने फिर खाना तैयार किया ते बार फिर दस्तक हो गई है। एक होर सवाली आया कि वेखिया बार यतीम आया ते खाना यतीम नु दे दिता है। फाजा दर्दली फरमांदे ने फातिमा खाना तैयार कर। मां जी फातिमा मुहम्मद दी बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार खाना तैयार कीता। इतनी देर नु फिर दस्तक होई है कि वेखिया एक कैदी छुट के आया ते खाना ओनू दे दिता है। हजरत अली फरमांदे ने फातिमा खाना तैयार कर। नबी दी बेटी अखां विच हंजू बहा करके अर्ज कर दी, ए मेरे सरदार जड़ा घर दा राशन ते समान सी ओ सारा ही अल्लाह दे रस्ते अंदर हुण तक तकसीम हो गया। साडा गुआंढी भुखा मर जा ते आपां गुआंढां गुआंढियां नूं पानी दा गिलास ते कोई जनाब तामन करम नूं तैयार नहीं। हजरत सैयद नाली ते सैयदा फातिमा दा इसार ते सबर दा जज्बा वेख के अल्लाह पाक ने सारी कारवाई अपने नबी दे दमाद दी ते बेटी दी कुरान बना के मेरे नबी दे सीने ते नाजिल कर दी है। सुबह फजर दी नमाज पढ़न वास्ते अली उल मुर्तजा मस्जिद दे मंदर तशरीफ लैके जा रहे ने, इंज मेरे नबी ने अली नूं वेख्या ते अली नूं वेखदियां नाल अपनी दोनों हत्थां नूं कुलावे ज मुहब्बत दा बुलंद कर लिया। फरमाया अली मेरे करीब आ जा, अली मेरे करीब आ जा, रात दी तेरी सखावत वेख करके मेरी बेटी दा फातिमा दा सबर वेख करके अल्लाह पाक ने तुहाडा दुम्मा जियां अंदर रहिंदी दुनिया तक जिक्र अपने कुरान दे अंदर कर दिता है। फरमाया वयुत्रिमुनत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनौ व यतीमौ व असीरा। अल्लाह पाक ने उसे तरतीब नाल पहला मिसकीन खाना खाना आया। अल्लाह ने कुरान दी आयत अंदर पहला मिसकीन दा दूजे नंबर ते यतीम आया, दूसरे नंबर ते यतीम ते तीसरे नंबर ते कैदी ने खादा, तीसरे नंबर ते कैदी दा। अल्लाह पाक ने कुरान दी आयत अंदर तरतीब भी ओहो ही रखी है। अल्लाह फरमांदे होणगे ए मेरे नबी दी बेटी है फातिमा, अज खाना पकाई जा, यतीमां नूं खवाई जा, मिसकीनां नूं खवाई जा, मैं अरशां ते तेरियां अदावां वेख के कुरान दियां तां बनाई जाना वा, मैं कुरान दियां तां बनाना वा। फिर फातिमा ने अपने अब्बू जान दी वफात दा दुख भी वेख्या है। वेखो सही अल बुखारी वफातु नबी वाला बाप, मौत ते आउणी आउणी है मेरे सोहणियो, मेरे पैगंबर दे मौत पाक दा जनाब वक्त आया है। आ फरमांदे ने आ फाइशा जरा मेरी बेटी फातिमा नूं ते आवाज मार के लेके आ। जान दियो जदों बंदा मरग दे बिस्तर से पिया होए अपनियां बेटियां नूं याद करके रोंदा, अपनियां बेटियां नूं याद करके रोंदा। फातिमा ते हसन हुसैन दोवें चलदे आए मेरे नबी अलैहि सलाम दी बेटी। इधर मेरे अल वेखो, इंज मेरे पैगंबर दी पेशानी ते हथ रखिया, कमजोरी इतनी होई है मेरे पैगंबर लखे सलाम दी बेटी दा हाथ नबी पाक दे बुखार दी हरारत दी वजह तू गर्म हो गया। फातिमा अर्ज कर दिए वाह करा बाबा वाह करा बाबा, ओए लोगो अज वेखो मेरे अब्बू जान मुहम्मद नु किन्नी तकलीफ है। मेरे अब्बू जान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों सुनिया आपने हाथ पकड़ लिया अपनी धी फातिमा दा ते मेरे नबी भी रोन लग पे। आप फरमांदे ने धीया अज तो बाद तेरे अब्बू दे सारे दुख मुकण वाले ने, अज तो बाद तेरे अब्बू नु कोई वट्टे नहीं मारेगा, कोई पत्थर नहीं मारेगा, कोई गंदियां उजरियां दा वजन नहीं सुटेगा, कोई जनाब दरमियान दे अंदर रस्तियां चुरस्तियां दे अंदर कोई कांटे नहीं खिलारेगा। इतनी देर नु बाहर दस्तो कोई ये दरवाजे ते मेरे पैगंबर दी बेटी बाहर दरवाजे ते पता करन गई है, बंदा भी नजर नहीं आंदा ते बस दरवाजा ही खड़की जा रहा है। इधर मेरे नबी दे कोल आके नूरियां दा सरदार जिब्रील अज अजीब ही खबरां देंदा पिया है। अज अजीब
अजीब ही खबर दे रहा है। मेरे नबी दे कोल आके अज अजीबो गरीब ही खबर दे रहा है। मेरे नबी नूं कहिंदा सोहणिया इह कोई आम बंदा नहीं आया। इन्नी देर नूं फातिमा भज कर दौड़ के मेरे नबी कोल आई। बाबा बाहर कोई बंदा दरवाजा खड़कांदा बोलदा नहीं, नजर भी नहीं आंदा। मैनूं इंज लगदा जिवें कोई तुहाडा साहबी ते अराबी तुहाडा पता लैण वास्ते आया। जिबरील कहिंदा सोहणिया महबूबा इह अज आम बंदा आखरी नबी दे दरवाजे ते नहीं आया, इह अज मौत दा फरिश्ता आया है। मौत दा फरिश्ता आया है ते ओह दरवाजा खड़का के सोहणिया तुहाडे कोल तुहाडे घर आण दीआं इजाजतां मंग रिहा है। ते अल्लाह पाक ने उस मौत दे फरिश्ते नूं इह मौत दे फरिश्ते दीआं ड्यूटियां लाईआं ने कि मेरे नबी दे दरवाजे ते चला है ते मौत दा पैगाम लैके चलना है। याद रखो मौत आना किसी नबी वली दी तोहीन नहीं बल्कि नेक मौत अल्लाह दी मुलाकात दा ज़रिया बन के आउंदी है। मेरे सोणियो मेरे नबी ने फरमाया इजाजत है ते जिबरील मौत दा फरिश्ता मलकुल मौत कहंदा है सोणिया महबूबा अज तक मैं किसी को इजाजत मौत दी जान कढ़न दी रूह कढ़न दी लई भी नहीं ते क़यामत तक किसी को लैणी भी नहीं सवाए तुहाडे तों। मेरे रब ने कहा ओए मलकुल मौत जा चला जा, अगर मेरे नबी मुहम्मद मेरे को आना चाहते ने तो ठीक है, अगर मेरा सोना नबी दुनिया ते जिंदा रहना चाहता है मैं अपने नबी नु कयामत दियां कंधां तक वास्ते जिंदा रखांगा। मेरे नबी फरमाते ने अल्लाहुम्मा बिर्रफीक लाला, पहला फरमाया अल्लाहुम्मा गफिरली अल्लाह मैनू माफ कर दियो। जवानो मेरे अल वेखियो, आ वेखो साडा बचपन नवी दागदार जवानी भी दागदार। ओ नबी जिस नबी दा बचपना भी पाक 63 साल ते 4 दिन दी जिंदगी पाक, ओ फरमांदे ने अल्लाह मैनू माफ कर दे ते असी गुनाहां दीआं पंडां लैके जिन्हां ने जनाब गुनाह कीते ही कोई नहीं ओ ते माफियां सोने नबी मंगण। असी गुनाहां दीआं पंडां लैके कदी माजरत रब अगे ना करिए। मेरे पैगंबर दी जौजा तुझो मां आयशा फरमांदियां ने बई ना सहारी माशा फरमा दिया ने जो अल्लाह दे नबी ने रब को जाना अगले दिन उस रात पहली रात अंदर दीवे अंदर बालन नू मेरे वास्ते दीवे अंदर पान नू तेल भी कोई नहीं। मैं गुआंढण को तेल मंगिया के रज रज के जांदे जांदे आखरी बार अपने सोने दा दीदार ही रज रज के कर सका। इधर मेरे पैगंबर इंज करके फरमांदे ने अल्लाहुम्मा गफिरली ते आहिस्ता आहिस्ता माइशा सदीस दी गवाह तेराबिया ने मां फरमांदियां ने आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह दे पाक पैगंबर दा हाथ मुबारक जमीन वल आना शुरू हो गया है ते अल्लाह दे नबी दे जिस्म दा वजन मुबारक भी मेरे जिस्म दे उत्ते आ पे आए ते मैं नबी अलैहि सलाम नु जल्दी दे नाल चार पाई हुजरा शांदर मौजूद चार पाई ते लिटा दित्ता। अम्मा फरमांदियां ने जदों मैं गौर नाल अपने नबी नु वेखिया ते मैनूं यकीन हो गया आयशा तेरे घर दीआं रौणकां टुर गईआं नी। आयशा नबी पाक दुनिया छोड़ के टुर गए। अल्लाह दे पाक मदी पैगंबर मदीनियो जन्नत दे अंदर पहुंच गए ने। मित्र फातिमा ने अपने बाबा दी वफात ते किन्ने गमगीन जुमले बोले, ओए लोगो सुन लो मेरे बाबा दुनिया तो चले गए। अप्पू जी तुसी अपनी बेटी नु छोड़ के ते जन्नत दे अंदर चले गए जे। अप्पू जी सारे नु पता लग गया है के आखरो जमा फातिमा दे बाबा नबी दुनिया तो चले गए ने, लेकिन उस बई आले फरिश्ते नु कौन दसे, उस बई आले फरिश्ते नु कौन दसे जड़ा मेरे बाबा ते कुरान लेके जिबरील आंदा सी। उस जिबरील नु सनेहा भेजो उस किन्ने गमगीन जुमले नबी दिती फातिमा दे, उस बई आले फरिश्ते नु पैगाम भेजो के फातिमा दे अब्बा जान ते
कुरान लैके आंदा सैं जिबरील ए कुरान लैके आंदा सैं अज फातिमा दे बाबा दुनिया तो चले गए ने लोगो मेरे अबू जान ने ते जन्नत दे अंदर डेरे ला लेने लोगो एक होर भी गम है एक अल्लाह दे नबी मेरे अबू जान दा गम है दूसरा गम है कि कयामत तक वास्ते हुण जिबरील किसे दे उत्ते कुरान लैके भी नहीं आएगा हुण जिबरील दा भी कुरान लैके आना बंद हो गया है मेरे पैगंबर दी बेटी फातिमा रजी अल्लाह तआला ना मैं गल मुकदी मुकावा ते 6 महीने मेरे नबी दी बेटी अपने अब्बा जान तो बाद जिंदा रही है सही साहबा साहब याद कहंदे ने किसे ने भी नबी दी बेटी नू अपने बाप दे गम दी वजह तो मुस्कुरांदे आ वेखिया कोई नहीं अज फातिमा ते भी मौत दा वक्त आया है 2 वसीयतां कीतियां सुनो सुनो मेरी माओ बहनो 2 वसीयतां पहली ते वसीयत है कि अली जी वेखो ना मेरा तुहाडा इन्ना वक्त पीरियड ज़ौजियत दा गुजरिया है अली जी जे मैं फातिमा कोलों जे बीवी होण दे नाते कोई वादा घाटा होया होवे अल्लाह वास्ते मेनू माफ कर दे आजे अल्लाह वास्ते मेनू माफ कर दे आजे सुने मेरी मां बहन सुने सुने फातिमा मेरे नबी दी तरबियत पाण वाली बेटी दी जनाबाद सैयदना अली नबी दे दमाद रोण लग पैली फरमांदे नहीं फातिमा वेखे ना कदी मेनू खाण नू लभ जांदा सी ते कदी खाण नू नहीं सी लभदा फातिमा मैं बड़े बड़े दुखां दे दिन वेखे ने मैं बड़े बड़े यकीन करो इत्थे भरा ऐसे भी मौजूद होणगे जिन्हां दीआं बीवियां उन्हां दे साथ बराबर गरीबी अंदर भी खड़ियां हो जांदियां ने ते कई ऐसियां बदतमीज किस्म दीआं हुंदियां ने फिल्मां ते ड्रामियां दी पैदावार जिन्हां जनाब खावत दीआं हंडांदियां ने खावत दा पांदियां ने ते फिर कहिंदियां ने तू मैनूं दित्ता की ए मैं तेरे घरों वेख्या की ए ना मेरी ओह भैणो सारियां इंज दीआं नहीं थोड़ियां जिहड़ियां ने अल्लाह वालियां ने लेकिन ज्यादा कुरान हदीस तू मेरी माओ बहनो दूर ना रहा करो हजरत अली फरमांदे नी फातिमा मैं बड़े बड़े भुखा दे दिन वेखे ने फातिमा मैं तेरी असमत नू सलाम करना वा अगर मैं अली भुखा सौ जांदा सां ते तू भी मेरे नाल भुखी सौ जांदी सां फातिमा मैं तेरी असमत नू सलाम करना वा तू ते कदी अपने खानवद अली दा गिला ही नहीं सी कीता तू ते कदी शिकवा ही नहीं सी कीता फातिमा अर्ज कर दफियां ने से मेरे सरताज अली जी भला वेखो मैं तुहाडा गिला किंज कर सकदी सां जदों मेरे बाबे ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जहाना दे सरदार दूर कर पूरी कायनात दे इमाम ने तुहाडे नाल मैनूं टोरिया सी नका करके मेरे अबू जाम ने ते दो ओही गल्लां समझाईयां सन मेरे अबू जाम ने ते गल समझाई सी वेखी फातिमा मेरा अली कमजोर जे आई ते मेरे अली नूं तंग ना करिया करी अली जी मैं तुहाडे बेड़े अंदर जान ते दे सकनी आ लेकिन तुहाडी नाफरमानी नहीं कर सकदी एक आखरी वसीयत सुनो मैं गल खत्म करां हां फातिमा अर्ज करदी है मेरे सरताज अली जी जदों मैं दुनिया छोड़ के चली जाऊं ते मैनू कफन भी आप देना जे ते मैनू गुसल भी आप देना जे पता लगा खामद फौत हो जाए ते बीवी गुसल दे सकदी है ते जे बीवी फौत हो जाए ते सा खामद गुसल भाभी सोनी दे बंदी झगड़ा नहीं गल कुरान हदीस दी इत्थे कहंदे तौबा 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 पुत गल्लां ना करो मेरा पुत गल्लां ना कर तौबा तौबा तू बीवी दी मंजी दे कोल भी आउणा कोई नहीं तेरा निकाह टुट गया ये धागा जिहड़ा टुट गया नबी पाक फरमांदे ने खामद नेके ते बीवी भी नेके दुनिया दा पड़िया होया नकाह जन्नत च भी चलेगा सुभान अल्लाह कह दियो हुण तुहाडी गल कीती तुसीं सुभान अल्लाह नहीं कहिंदे कहो सुभान अल्लाह ते मैं एक गल मौलाना बदर सलफी साहब एक जलसे दे कीती खामद ने के बीवी नेक होवेगी ते दुनिया दा पड़ा पढ़ाया नका जन्नत च भी चलेगा बाबा जी कुछ साल 70 साल उम्र सी मैं ना नहीं लैंदा लागे दा बहरहाल ते ओ घरों को सते होने ने बुजुर्ग ते ओ खड़े हो कहिंदे ने कहिंदे मौलवी जी ए मुसीबत उत्थे भी रहेगी ए सानू उत्थे दुआ करो अल्लाह घर दा इत्तेफाक नसीब फरमाए वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।